कॉमन सर्विस सेंटर की जानिब से नांदेड़ जिले के सेवा सहकारी सोसाइटी के सभी चेयरमैन को ट्रेनिंग दी गई। 13 और 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीएस पोर्टल की मुकम्मल ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। ये ट्रेनिंग देगलू नाका पर वाक़ हिंद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में दी गई। ये ट्रेनिंग सीएससी की जानिब से बैंकिंग के रियासती हेड वीरेंद्र यादव, जिला हेड कपिल एकलारे और हिंद कंप्यूटर के डायरेक्टर अली सर की मौजूदगी में दी गई। इस कैंप में सोसाइटी के 45 अरकान ने शिरकत की। कंप्यूटर की मदद से इन्हें पोर्टल का इस्तेमाल करने की तरबियत दी गई। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पैक्स के जो है सोसाइटीज मेंबर हैं, उनकी सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे किस तरह से सीएससी की सर्विसेज दी जाती हैं उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग रखा गया है, जिसमें पैक्स के लगभग 45 मेंबर शामिल हुए हैं और उनको जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लैब में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कंप्यूटर से और उसके पोर्टल के किस तरह से यूज़ किया जाता है वो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस ट्रेनिंग का यहाँ के लोग जो पैक्स मेंबर है उसका बेनिफिट उठाएंगे और अपनी इनकम जनरेट करने में और जो अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनको सुविधा देने में जो है काफ़ी मदद होगी। सीएससी केंद्राच्या मार्फत ज्या सेवा सुविधा प्राप्त करण्यासाठी आपले राज्याचे समन्वयक यादव सर, आपले जिल्ह्याचे समन्वयक एकलारे सर यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आम्ही सचिव या ठिकाणी ट्रेनिंग घेत असताना आम्हाला खूपच समाधान वाटत आहे की शासन किती आपल्या सीएससी किंवा ज्या मार्फत ज्या सेवा सुविधा देत आहे त्या आम्ही निश्चित सेवा संस्थेवर आणि समाजासाठी अगदी उपयुक्त पद्धतीने या ठिकाणी योजना राबवून या ठिकाणी आम्ही लोकांना जास्तीत जास्त सेवा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करूया। सीएससी मार्फत पॅक्स यांना ऑनलाईन ट्रेनिंगचं प्रशिक्षण आयोजन केलेलं आहे। यामध्ये 45 पॅक्स सहभाग झाले असून यांचं सकाळी 9:30 वाजल्यापासून ट्रेनिंग चालू आहे, जे आज दिवसभरात 5 वाजेपर्यंत यांचं ट्रेनिंग शेड्यूल केलेलं आहे। त्यामध्ये 2 बॅचेस करून आपण राहिलेली संख्या उद्या पण त्यांना ट्रेनिंग देणार आहोत। या ट्रेनिंगमध्ये आपण त्यांना ज्या सीएससीच्या सर्व्हिसेस आहेत जे समाजापर्यंत पोहोचून कसं काम करायचं याच्यासाठी त्यांना डिजिटली कसं ट्रेन केलं जाईल याच्यासाठी हे ट्रेनिंग चालू आहे। निश्चितच आम्ही यांच्यामध्ये त्यांना ट्रेन करू आणि परत अशा ट्रेनिंग पण आपल्या ऑनलाईनच्या माध्यमातून ऑफलाईनच्या माध्यमातून घेतल्या जातील आणि या सोसायटीमार्फत तेथील समाजाला तेथील नागरिकांना याचा नक्कीच फायदा होईल अशी आशा व्यक्त करतो। जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि आदिवासी संस्थांच्या वतीनं ज्या काही सीएससी सेंटरची नोंदणी झालेल्या आहेत अशा जिल्ह्यातील 75 संस्थांना सीएससी मार्फत जे काही ऑनलाईन ट्रेनिंगचं आम्हाला आज मार्गदर्शन होत आहे आणि प्रात्यक्षिकच्या स्वरूपामध्ये आम्हाला ट्रेन केलं जात आहे त्यासाठी मी आदरणीय सीएससीचे राज्य समन्वयक यादव सर, आमच्या जिल्ह्याचे समन्वयक व्यवस्थापक आदरणीय कपिले सर यांचं आम्हाला आज योगदान मिळत आहे आणि यातून आम्ही ग्रामीण भाग समृद्ध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना ज्या काही सीएससी मार्फत 500 पेक्षा अधिक शेती सुविधा आहेत, शैक्षणिक सुविधा आहेत, इन्शुरन्सच्या सुविधा आहेत आणि कर्जाच्या सुविधा आहेत, या सर्व सुविधा मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत आणि या माध्यमातून सीएससीच्या माध्यमातून आणि आमच्या सर्व सीएससीच्या टीमकडून आम्हाला योग्य ते सहकार्य मिळालेलं आहे त्यासाठी मी सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। हिंद कंप्यूटर एज्युकेशन आज 2008 से जो है देगलू नाके पे है और कपिल एकलारे सर ने मुझे कहा कि भाई आपके पास ट्रेनिंग रखना है, लैब वगैरह अच्छी है, तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया और जिसमें मैं खुद देख रहा हूँ कि 80 लोगों में से और ज़्यादातर इसमें जो है सीनियर लोग हैं, ग्रामीण के हैं, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है, जो उत्साह है ये सीखने का, तो उसे मैं चाहता हूँ कि भाई नौजवान बच्चे जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्होंने इनसे जो है एक इंस्पायर होना चाहिए कि ये एज में भी ये लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा है, उत्साह है कि उन्होंने ये ट्रेनिंग लेकर अपने अपने ग्रामीण में अपने अपने एरिया में जाकर जो है अपने गाँव के अंदर नागरिकों को सेवा देने के लिए ये लोग तैयार है। और मेरा भी जो सीएससी सेंटर है वो 15 साल से देगलू नाके पे है, तो हम भी जो है सीएससी के एक सदस्य है
तो इसके लिए मैं कपिल एकलारे सर और हमारे स्टेट हेड यादव सर, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि और फ्यूचर में, भविष्य में भी अगर ऐसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले तो हिंद कंप्यूटर जो है इनको सहयोग करने के लिए तैयार है।